नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस विधि के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि लोगों के मन में विचार आ जाते हैं कि अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो या उसे सम्मोहित करना हो तो उनसे मिलना जरूरी होता है, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। लेकिन नहीं, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस उपाय के माध्यम से आप बिना मिले, बिना कुछ खिलाए पिलाए आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहती हो, उस पर वशीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। इस विधि के लिए जो आवश्यक सामग्री होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको जरूरत है थोड़े से जल की। एक कलश में आप थोड़ा सा जल लें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा जल ले। इसमें जल लेने के बाद आप उसको अपने पास रख ले। फिर ले आप एक दिया। इस दिए में तेल डालकर आप इस दिए को जला लें। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब इस उपाय को करते हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, उस लड़की का नाम होना चाहिए। उसके साथ ही आप ये सोचकर बैठिए कि वो इस दुनिया के किसी भी कोने में है, तो ये उपाय करने के बाद वो आपको जरूर हासिल हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि मन में श्रद्धा भावना होने से उपाय की जो शक्ति होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कलश ले और कलश के अंदर ले जल। सुबह उठें, जल्दी से नहाएं और नहाने के बाद जो जल है उसको लेकर साफ सा आसन लगाकर वहां पर बैठ जाए। और वहां बैठने के समय एक चीज का ध्यान रखें कि वो जगह एकांत होनी चाहिए और आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 11 बार उस स्त्री का ध्यान करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। उसका नाम लेते समय मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार उस पानी को पिए। 11 बार आपने मंत्र का जाप किया और साथ ही साथ आपने इस लोटे से पानी पीना है। जी हाँ, हर बार आपने इस लोटे से जैसे जैसे उस स्त्री का नाम लेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, आपको पानी पीना है। एक बार मंत्र पढ़ा, स्त्री का नाम लिया और जल पिया। दूसरी बार मंत्र पढ़ा और स्त्री का नाम लिया और जल पिया। ऐसा कर लेने से आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी। तो चलिए, और साथ ही आपको बताती हूँ वो मंत्र। और वो मंत्र है ओम काम देवाय रंजनी स्वाहा। जी हाँ, एक बार फिर से आपको मैं मंत्र बता देती हूँ, ओम काम देवाय रंजनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और हर बार में फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मंत्र का जाप करना है, स्त्री का नाम लेना है और एक घूंट जल पीना है। तो 11 बार आपको ऐसा करना है। ऐसा कर लेने से आप जिनको चाहते हैं वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी, आपको आपका प्यार हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा। और आप इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, इस वशीकरण को करके, इस उपाय को करके आप उस स्त्री को, अपने प्यार को पा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही उपाय जानना चाहते हैं और आप इन उपायों के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। जय माता दी।